मतलब वक्त आने पर मुनाफे की सूरत में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की थी ताकि वो मुनाफा कमा सकें और उसको बेच सकें, लेकिन आज कुछ लैंड माफिया की वजह से वो बेचारी परेशान है। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बड़ी खूबसूरत बात की कि खरीदा उसी को जाता है जो कि बिकता है, जो बिकता नहीं है उसको खरीदा नहीं जा सकता। तो जो लैंड माफिया वजीर आजम तक को खरीद सकती है वो एक इस औरत को नहीं खरीद सकती, खरीद सकी क्योंकि ये बिकी नहीं है, अपनी मेजबान इकरा को नहीं जा सकता लाने के बाद। मतलब वक्त आने पर मुनाफे की सूरत में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की थी ताकि वो मुनाफा कमा सकें और उसको बेच सकें, लेकिन आज कुछ लैंड माफिया की वजह से वो बेचारी परेशान है। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बड़ी खूबसूरत बात की कि खरीदा उसी को जाता है जो कि बिकता है, जो बिकता नहीं है उसको खरीदा नहीं जा सकता। तो जो लैंड माफिया वजीर आजम तक को खरीद सकती है वो एक इस औरत को नहीं खरीद सकती, खरीद सकी क्योंकि ये बिकी नहीं है, अपनी मेजबान इकरा को नहीं जा सकता लाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों की मेजबान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने मुल्क में बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल को तो देखा है, लेकिन कुछ लोग इस सूरत हाल को सुधारने में भी लगे हुए हैं और कुछ लोग इस सुधरती हुई सूरत हाल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मेरे साथ फरा आसिफ साहिबा मौजूद है जिनका अरबों रुपए मालियत का एक प्लॉट है जो कि कब्जा माफिया के पास है, जिसे लैंड माफिया कहा जाता है। उसमें हमारे जो चेक एंड बैलेंस करने वाले इदारे हैं वो भी मुलविस हैं, उसके साथ जो कि लैंड माफिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं असल किरदार वो हैं। किन किरदारों की वजह से मैडम आज जिस हालत में है कि वह नफ्सियाती मरीज भी बन चुकी हैं, वो अपने उस जिस सिचुएशन में पहले थी उस सिचुएशन में अब क्यों नहीं है, ये सारी सूरत हाल फरा आसिफ से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा साहब अपनी कहानी खुद ही बता दीजिए। मेरी कहानी इतनी छोटी नहीं है, अब जाहिर है वो इतना लंबा मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एविडेंस ये है कि हम कहते हैं जी लैंड माफिया जो है बड़ा ताकतवर है और उसके आगे कोई मतलब है स्टैंड नहीं कर सकता। मैं ये कहती हूँ कि लैंड माफिया कोई ताकतवर नहीं है, ताकतवर बनाने वाले उसको हमारे इदारे हैं, हमारी पुलिस है, ठीक है। वो लोग जो कहते हैं कि जी वो पहियों फाइल को पहिए लगा देता है, तो फाइल को पहिए लगाने वाले बेसिकली जो पहिए लगने देते हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। पुलिस ने मेरे प्लॉट पे कब्जा करवाया, ना मेरे प्लॉट पे बैरिया कब्जा कर सकता था, ना कोई और लैंड माफिया बंदा कब्जा कर सकता था, पुलिस ने थाने ने मेरे प्लॉट पे कब्जा करवाया। फरा साहब ये बताइएगा कि जाती रंजिश थी जिसकी वजह से पुलिस ने जो है उन लैंड माफिया को कब्जा करने में मदद फराहम की? नहीं जी, कोई जाती रंजिश नहीं थी, मेरा तो किसी किस्म का मैं तो जिंदगी में पहली दफा सहाला थाने जिंदगी में पहली दफा गई हूँ। दूसरी हुमक थाना फिर बन गया तो उन्होंने दूसरी जो है ना वो FIR कर दी। बात यही बात है कि सब ये कह रहे हैं कि मैडम आप मलिक रियाज का मुकाबला नहीं कर सकती। जाहिर है मेरे पास मलिक रियाज की तरह हराम का पैसा नहीं है, मैं कैसे मुकाबला करूंगी उसका? मेरे पास तो अभी जो है वो इतने पैसे नहीं है कि मैं अदालतों में जाऊं वकील करूं। मैं जिस वकील को करती हूं ये उस वकील को अप्रोच कर लेते हैं और उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। मैम आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि एक बंदा जहां से आपको महसूस हुआ कि आपके प्लॉट पे कब्जा हो रहा है, आपने चार दीवारी की हुई थी, एक आदमी भैंस बांधता था, उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, वो बड़े प्यार से आपको कहता था जी कि कोई मसला नहीं आपका, तो खाली प्लॉट आपको उस वक्त नहीं शको शुबात हुए कि आप जो है? मुझे उस वक्त जब शको शुबात ज्यादा पड़े और मैं जब जाके देखती थी कि मुझे थोड़ी सा एहसास हुआ, कुछ लोगों ने मुझे थ्रेट भी देना शुरू किया कि ये प्लॉट हमें बेच दे। फिर कुछ लोग ऐसे मेरे पास हैं जो मैंने उनको अभी हिडन रखा हुआ है, जिनके पास बहुत सा रिकॉर्ड है कि वो ये बताएंगे कि उनके थ्रू मुझसे प्लाट खरीदने के लिए उनको भेजा गया। तो आपने प्लाट क्यों नहीं भेजा, क्या रीजन? उसकी वजह ये है कि मैं प्लाट के ऊपर खुद प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, मैं बिल्डर हूँ, तो मैं अपना प्लाट जो है वो उस प्राइस पे जिस प्राइस पे वो ले रहे थे मैं उस प्राइस पे नहीं बेचना चाहती। अगर वो आपसे दोबारा रब्ता करते हैं आपका, क्योंकि हाई कोर्ट के भी आज ऑर्डर जारी हुए और आपने कहा कि क्रॉस वर्जन जिसे क्रॉस FIR कहा जाता है कि दोनों पार्टीज की तरफ से बयान आते हैं और फिर उन बयान की रोशनी में क्रॉस FIR होती है, तो अगर उस सिलसिले में आपकी क्रॉस FIR हो जाती है और सुलह सफाई की तरफ बात आती है तो फिर वो आपको ऑफर करते हैं तो क्या आप बेचना चाहेंगी? देखिए
देखिए क्यों नहीं बेचना, मैंने तो प्लॉट बेचना है ना सर, मैं तो एक बिजनेस वूमेन हूँ ना, हम तो हमें तो इन चीजों से लड़ाई झगड़े से हम तो बहुत दूर हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बिजनेस माइंड हूँ, मेरे सारे भाई बाहर 40 साल से कनाडा में, मेरे दूसरे भाई अमेरिका में, मेरी बहन बहनोई सब अमेरिका में, सब बिजनेस मैन है, तो अब हमें तो लड़ना नहीं है। मैंने तो प्लॉट बेचने के लिए खरीदा है, मैंने प्लॉट मतलब है बेचना है, लेकिन उसका तरीका ये तो नहीं है ना कि आप जो है वो किसी भी लेडी को आप अपने ही प्लॉट पे कब्जा माफिया बना दें और ये कहें कि ये मैम आपने अपने रिलेटिव से खरीदा था प्लॉट या बस वैसे ही? नहीं, हमारे वो फैमिली फ्रेंड है। तो अभी आपका अगला लाही अमल क्या होगा अगर कानून आपको इंसाफ होता हुआ नजर आता है कि इंसाफ आपके हाथ में होगा? देखिए अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे अदालत से, निचली अदालत में उन्होंने जो है वो जो भी किया, लेकिन हाई कोर्ट की अदालत से मुझे इंसाफ मिला है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कि एक एएसआई जो है वो एक हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर को आज 29 अगस्त से ऑर्डर हुआ है, वो उसको इम्प्लाइंस नहीं कर रहा, वो उसको मान नहीं रहा। आपको क्या लगता है पुलिस पावर में है या अदालत पावर में, क्योंकि अदालत का तो कोई भी आजकल रूल ऑफ लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं माना जा रहा? अदालत तो पावर में है अगर वो अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे, और वो बिल्कुल करेंगे, और अदालत की पावर ये है कि वो अपना जो भी वो ऑर्डर देती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट जो है उनका पुलिस का फर्ज है कि वो इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया फरा जी। मेरे साथ मौजूद थी फरा आसिफ साहिबा जो कि एक बिजनेस वूमन है, उनका ये कहना है कि उन्होंने प्लॉट इसीलिए बेचा था कि वो